नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हम आपको लेके चलते हैं रेवाड़ी जिले के गांव गोठड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जहां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की, जहां देख सकते हैं किस तरीके से जो है दोनों तरफ तिरंगे लगाए गए हैं और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं यहाँ भारी संख्या में आई हुई है। आयोजन है 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव, क्योंकि देश ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश, और अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगे यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ एक भव्य आयोजन हो रहा है अमृत महोत्सव का, जिसमें रेवाड़ी के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने बकायदा शिरकत की इस कार्यक्रम में, और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्कूल के प्रांगण में जो ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसकी पूरी बागडोर संभाली गोठड़ा गांव के सुप्रसिद्ध समाज सेवी रवि चौहान ने। जी हां, आप मंच पर देख रहे होंगे, तमाम यानी के लोग बैठे हुए हैं, रवि चौहान यहां पर बैठे हुए हैं, और जो बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जिन्होंने शिरकत की, रेवाड़ी के सीटीएम महोदय, उप तहसीलदार दहीना, तमाम जो अधिकारी यहां पर आए हुए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना भव्य यहाँ समारोह आयोजित किया गया है कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं स्कूल के प्रांगण की। आप देख सकते हैं पंडाल में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे और तमाम ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं, और चारों तरफ स्कूल में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा है कि यहाँ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के अंदर बकायदा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देशभक्ति पर आधारित तमाम गीतों के ऊपर छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। सभी ने इस कार्यक्रम की बढ़ चढ़ करके सराहना की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, जो हम आपको झलकियां दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक से बढ़कर के एक देशभक्ति गीतों पर अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। तमाम बच्चों ने अपनी कला के रंग बिखेरे, और देश में आजादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसके बारे में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति पर गीत गा करके सभी का मन मोह लिया, उसके उपरांत इन बच्चों को सम्मानित किया गया, जो कि रवि चौहान यहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं रेवाड़ी जिले के आसपास में, जिनका बड़ा नाम है इलाके के अंदर। तो उन्होंने यह तमाम जो इसका खर्चा हुआ, जिस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया गया, चाहे लैपटॉप देने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों का सामान देने की बात हो, चाहे स्कूली बच्चों को ड्रेस देने की बात हो, तमाम चीजें इन बच्चों को दी गई, और ये भव्य नजारा हम आपको दिखा रहे हैं गोठड़ा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का, जहां ये आयोजन चल रहा है। सीटीएम महोदय के हाथों तमाम बच्चों को सम्मानित यहां पर किया गया, और जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर के एक प्रस्तुति दी, उनको भी यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अमृत महोत्सव की कितनी मनमोहक तस्वीरें एचआर न्यूज के कैमरे में कैद हुई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस कार्यक्रम की सराहना लोगों ने बढ़ चढ़ करके की। हम आपको लोगों की भी बातें सुना रहे हैं, सुनिए लोग क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। गांव में जो ये आयोजन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं ऐसे आयोजन को? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आपके गांव में? हाँ जी, बच्चों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिल रहा है, और बहुत अच्छा। सारे देश में सर भावनाएं पैदा हो रही है, देशभक्ति की भावनाएं, जज्बा पैदा हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आह्वान पर सारे देश में 2 अगस्त से और 15 अगस्त तक जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर घर तिरंगा 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा। क्या कहेंगे ये प्रस्तुति जो आपके गांव में हुई है, इसको लेकर क्या? जो हमारे गांव के जो रवि चौहान जी हैं, हम उनको बारम्बार धन्यवाद करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को अकोमोडेशन प्रदान किया उन्होंने, ये माहौल बनाया, सारा प्रोग्राम, सारा खर्चा उन्हीं का है सर। तो हम उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं, रवि चौहान जी का, साथ साथ प्रशासन का, जो प्रशासन ये आयोजन चलाया हुआ है, पखवाड़ा चला रखा है,
2 अगस्त से 17 अगस्त तक का हर घर तिरंगा अभियान, उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से बच्चों को स्टेज पर ला रहे हैं। एम्बुलेंस आप लोगों ने दिए, जिस तरीके का जो आयोजन हुआ, तमाम जिम्मेदारी आपने संभाली आयोजन की, हाँ जी क्या कहेंगे उसको लेकर? ये जो है फ्री सेवा करी गई है रवि चौहान जी ने, ये एक बहुत ही जो है अच्छा कार्य है। इससे आपने एक अमृत महोत्सव वाले दिन चुना, अमृत महोत्सव के दिन हमने जो है स्कूल में सब 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों को घर घर झंडा लगाने के लिए हर घर झंडा दिया है, जिससे कि इसका जो है उत्सव और बढ़ेगा। एक एम्बुलेंस आज लोग का उद्घाटन किया है, जो फ्री सर्विस रहेगी, इसका एक नंबर ले दिया जाएगा पुलिस थाने में, चौकी में, हॉस्पिटलों में, तो जब भी कॉल आएगी वो फ्री जाएगा। आपके कार्यक्रम में पूरा गांव ये उमड़ा, हाँ जी तो किस तरीके से देखते हैं खुशी गांव में जो ये है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी गांव में खुश हैं, सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, तो सब दौड़ आगे। ये बहुत ही बढ़िया हुआ, ये एकता का प्रतीक है, सारे गांव ने मिल के ये प्रोग्राम किया है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बढ़िया प्रस्तुति दी है, और प्राइवेट स्कूलों से हमारा स्कूल सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छा है। मन संचालन आपने किया ना जी, क्या कहेंगे आज जो ये आयोजन हुआ? उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद किया जिन्होंने ये इसको संयोजित किया, और हमने CTM साहब को आमंत्रित किया, सभी रवि चौहान जी की तरफ भी था। तो अभी अमृत महोत्सव ही और चलेगा, अभी ये रुक करके अब थोड़ा सा आपका कार्यक्रम कब तक चलेगा? अभी करीब आधा घंटा और चलेगा। आपके गांव में गोठड़ा में जो कार्यक्रम हुआ आजादी का अमृत महोत्सव, हमारे गांव में सरकारी स्कूल होते हुए भी और बच्चों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, भाई रवि चौहान जी ने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इतना लंबा थोड़ा जो आयोजन किया, CTM साहब को भी बुलाया, और नायब तहसीलदार साहब, DO साहब और अन्य मतलब अधिकारीगण भी आए, और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई वो प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर थी। और मैं इधर स्कूल की SMC का प्रधान हूँ, और मेरा तो दिल खुश हुआ ही बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, साथ में गांव भी बड़ा खुश है, और हमारा स्टाफ जो है वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। तो आपने सुना किस तरह कार्यक्रम की सराहना की जा रही है, और जो कार्यक्रम के आयोजक है रवि चौहान व विजय चौहान, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया के पूरा कार्यक्रम किस तरीके से बेहतर एक कार्यक्रम हो। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि रवि चौहान जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी है, उन्होंने बकायदा इस गांव के लिए एक एम्बुलेंस भी दी है, जिसका भी शुभारंभ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की ओर से किया गया है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बकायदा गांव और आसपास के लोगों को इस एम्बुलेंस का बहुत फायदा होगा, इसीलिए ये एम्बुलेंस दी गई है। और रवि चौहान जो समाज सेवी है, उन्होंने बताया कि ये एम्बुलेंस ATM के पास गांव गोठड़ा में ही खड़ी रहेगी, और बकायदा इसका एक नंबर दे दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा, किसी को भी अगर रेवाड़ी या आसपास कहीं इलाज के लिए जाना है, इमरजेंसी है, तो ये एम्बुलेंस उनकी सुविधा के लिए खड़ी रहेगी। वहीं रवि चौहान ने तमाम जो ये अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ, इसमें स्कूली बच्चों के लिए चाहे ड्रेसें हो, चाहे खेल का सामान हो, चाहे पढ़ने वाली छात्राओं के लिए लैपटॉप हो, वो भी मुहैया यहाँ पर कराया गया, और CTM महोदय के हाथों इनको दिया गया, बुजुर्गों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, तमाम स्कूल के टीचर हो, चाहे PN हो, चाहे अन्य कोई हो, सफाई कर्मी हो, सभी को सम्मानित किया गया, सभी को सूट लेंथ दी गई। तो इस तरीके से आपको हम ये अमृत महोत्सव का नजारा दिखा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक भव्य नजारा है, ऐसा नजारा शायद ही कहीं देखने को मिले। हालांकि देश अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा लगाने की बात हो रही है, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि 13 तारीख से और 15 अगस्त तक आप अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, लेकिन जो ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, इसको किस तरीके से तिरंगे में रंग दिया गया, या यूं कहें कि पूरे गोठड़ा गांव को ही तिरंगे में रंग दिया गया है। जगह जगह गोठड़ा गांव में आपको तिरंगे मिल जाएंगे, जो कि हमारे देश की आन बान और शान है, इसी ने हमारे को आजादी दिलाई है। हालांकि आज आजादी दिलाने वाले हमारे बीच नहीं है, उनको लेकर के क्या कुछ CTM महोदय कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि तिरंगे से देश के प्रति लोगों में प्यार पनपता है। क्या कुछ वो कह रहे हैं पहले उनका सुनाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज आप गोठड़ा गांव में आप पहुंचे हैं,
क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, ये हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे अपने आदेशों में कहा है कि हर घर तिरंगा को हर्षोल्लास से मनाया जाए, हर घर पे तिरंगा लगाया जाए और तिरंगे को रिस्पेक्ट दी जाए, तो इसी के चलते स्कूल में मुझे गांव में बुलाया गया था टप्पा, और यहाँ पे स्कूल में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम देखा मैंने। कहने को सरकारी स्कूल है लेकिन प्राइवेट स्कूल को भी टक्कर दे रहा है, एंड इस चीज़ के लिए मैं काबिल तारीफ़ करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब की, स्कूल मैनेजमेंट की, इन्होंने इतना अच्छे तरीके से स्कूल को मैनेज कर रखा हुआ है। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई मदद चाहिए किसी भी चीज़ की स्कूल के लिए या कैसी भी व्यवस्था के लिए या कैसी भी, तो उसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार है और मैं चाहूँगा कि गांव के लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो जरूर। बच्चों ने जिस तरीके से सांस्कृतिक प्रस्तुति देशभक्ति के गीतों के ऊपर जिस तरीके से अपना प्रस्तुति दी उसको देख करके क्या कुछ आप कहेंगे? उसको देख के यही लगता है कि काफ़ी अच्छी प्रस्तुति दी है बच्चों ने, काफ़ी मेहनत करी है और डेफिनेटली सरकारी स्कूल नहीं है प्राइवेट स्कूल जैसी मेहनत करी और उनको टक्कर दी है, तो इसके लिए काबिले तारीफ है। बच्चों का भी बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे। तमाम बच्चों को मोमेंटो वगैरह दिए गए हैं, किनकी ओर से? प्रशासन की ओर से, रवि चौहान जी की ओर से? ये रवि चौहान जी की ओर से है और प्रशासन की ओर से भी है, उस चीज़ के लिए काबिले तारीफ करनी पड़ेगी इनको कि इन्होंने मतलब जिस भूमि से आए हैं उस भूमि के पास बार बार आते हैं और गाँव में अपनी सेवा जितनी दे सकते हैं देते हैं, प्रशासन की भी पूरी मदद करते हैं इस चीज़ के लिए इनका। एक हम जो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगे की बात हम कर रहे हैं, तो सिटी एम साहब क्या लगता है तिरंगे से क्या कुछ होगा, लोगों में कैसी भावना जगेगी, देशभक्ति की जगेगी, या किस तरीके से क्या संदेश क्या देना चाहते हैं हम लोग सरकार और प्रशासन, क्या संदेश? संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए आज़ादी की लड़ाई में ना हम थे ना ये लोग थे, लेकिन जिन लोगों ने आज़ाद वो गुलामी देखी है और उसके लिए वो लड़े हैं, तो उनकी मेहनत को और उनकी जो देश को समर्पण था उनका, मेहनत जो देश के लिए उन्होंने संघर्ष करा, उसको याद करने की ये प्रशासन और देश वो देना चाहता है संदेश। जाहिर है अगर तिरंगा लगाने से देश की भावना जगेगी दिल के अंदर और देश के प्रति एक सच्चा प्यार भी होगा। जब अगर एक इंसान सच्चा देशभक्त होगा, क्या लगता है उसको गलत काम जो हो रहे हैं देश में उसके खिलाफ भी विरोध करना चाहिए अगर सच्चा देशभक्त है तो? जी बिल्कुल करना चाहिए, देश में आर्टिकल 19 है हमारे पास, फंडामेंटल राइट है सबको हक है कहने का, लेकिन समय एक तरीका होता है, महात्मा गांधी जी ने जो करा था नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात कही जाए तो बिल्कुल कहनी चाहिए कोई। तो आपने सुना सीटीएम महोदय ने क्या कहा, उसी प्रकार हम आपको सुनाते हैं जो प्रसिद्ध समाज सेवी है रवि चौहान, यानी कि रविंदर पाल चौहान, क्या कहते हैं इस आयोजन को लेकर के उन्होंने एक एम्बुलेंस इस गांव को दी है और पूरा जो ये आयोजन स्कूल के प्रांगण में हुआ है, इसका जितना भी जो उपहार वितरित किए गए हैं वो रवि चौहान और विजय चौहान की ओर से किए गए हैं, उन्हीं के भी हम आपको सुनाते हैं कि रवि चौहान और विजय चौहान आखिर क्या कहते हैं। जो आपके गोठड़ा गांव में आयोजन हुआ, कहीं ना कहीं लगता है कि आप सुर्खियों में आपका गांव रहता है किसी न किसी वजह से, आज फिर सुर्खियों में, दो दिन पहले आपने भागवत कथा बैठाई, आज एक स्कूल के अंदर अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे। मोहनलाल जी आपसे हम यही करते हैं कि बार बार आपसे मिलें और कुछ ना कुछ नया करें, जिस बहाने आप हमारे पास आएँ और आपके माध्यम से अपने दोस्तों से अपने मित्रों से मैं अपने संदेश देता रहूं, आपका धन्यवाद। हमने ये एक कादंबरी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, निःशुल्क सेवा, कादंबरी मेरी नातिन का नाम है इसके नाम से शुरू की है, उसके लिए सीटिंग साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ उसका उद्घाटन करें, सीएमओ साहब से की थी, सीएमओ साहब आप बिजी थे, डॉक्टर अमन को भेजा है हमने अपनी जगह, तो जब एक नगराधीश आ रहे थे तो हमने सोचा उनका कोई अलग से स्वागत किया जाए, तो देश की आज़ादी का पर्व चल रहा था उस पर्व को हमने इसके अंदर शामिल करके और सीटीएम साहब की शान के अंदर चार चांद लगाने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको भी और बच्चों को भी इससे काफ़ी उत्साह और अच्छा मैसेज गया है देश के प्रति, आज़ादी के उसके प्रति, तो इसके बहाने से हमने सीटीएम साहब को यहाँ बुलाया, ईओ साहब आए, डॉक्टर साहब आए, गुप्ता जी पहुँच के रेवाड़ी से, कोच साहब ने इन बच्चों को ले जाके रांची खिला के लाए, तो उन सबको इससे सम्मानित करके और सबको एक उसके अंदर इकट्ठा करके और इस प्रदर्शन को भव्य बनाने का एक मैनेजमेंट विजय चौहान ने छोटा भाई नंबरदार इसने किया, जो मुझे लगता है कि सफल हो गया, उसके लिए आप सबका खासकर विजय का और राजेश ने भी इसमें बहुत मेहनत की है। जिस तरीके से स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है देशभक्ति के गीतों पर
और नृत्य प्रस्तुत किए हैं, तमाम जो चीज़ें की गई है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इन बच्चों को मैं उत्साहित करता रहता हूँ हर साल 15 अगस्त को, बीच में भी मैं इनको आके इनकी प्रैक्टिस भी देखता हूँ। खासकर हमारी धर्मपत्नी अनीता चौहान आती हैं, इनकी ड्रेस का बंदोबस्त, बिटिया भी आती है वो भी आगे देख कर जाती है, कुछ ना कुछ इनको आगे पढ़ने के लिए, आगे इनको अच्छे साधन संसाधन देने के लिए वो प्रेरित करते हैं, और छोटा मोटा जो भी होता है साधन संसाधन देते हैं। कई बच्चे इसमें UPSC में रिफ्लेक्ट हुए हमारी प्रेरणा से, हमारी मदद से, हमारी उनकी तरफ जो उनको मार्गदर्शन किया। और किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने से आदमी ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। यही काम मैं अकेला करता तो इतना प्रोत्साहन नहीं होता जितना CTM साहब के आने से, EO साहब के आने से, बाहर से गुप्ता जी आए, कोच साहब आए, तो एक अलग से तहसीलदार साहब आए, तो उस नाम से आदमी ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। अपने बच्चों को ड्रेसें दी है, खेल का सामान यहाँ वितरित किया है, किसी को सूट या लैपटॉप एक दिया है, तो क्या लगता है कि जो बच्चों की कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कहीं कमियां रह जाती है उसको आपने पूरा करने की कोशिश की? बच्चे का कर्म अपने आप उसको अपना इनाम दिलवाता है। मैं इन बच्चों के घर गया, इनकी माँ सिलाई का काम करती है अच्छे लेवल पे, दोनों बच्चियाँ उसमें डिजाइन, लैपटॉप के अंदर पुराना लैपटॉप था, मेरी वाइफ ने कहा इनको एक नया लैपटॉप ला दो। मैं दुबई गया तो बोले वो दो बच्ची उनका नाम पूछो, वो डिजाइन कर रही थी लैपटॉप अपनी माँ के लिए, उनका लैपटॉप चल नहीं रहा था। तो कोई ना कोई हर उसके अंदर मतलब हमारी पत्नी का बड़ा सहयोग रहता है, कुछ बच्चियों के लिए ये सामान ले लो, तो गाँव में आती हैं, बच्चियों से मिलती हैं, उनके घर जाते हैं, तो जो भी हो सकता करते हैं, उनकी किस्मत में लिखे हम तो भाने हैं। बाकी जय हिंद जय भारत। एम्बुलेंस का क्या रुख रहेगा जो आप एम्बुलेंस यहाँ ATM के ऊपर एम्बुलेंस खड़ी करेंगे? और उन्होंने बताया अपनी नातिन के नाम से सर्विस शुरू की है, अभी एक एम्बुलेंस है, एक और तैयारी हो रही है, यहाँ से रेवाड़ी तक हम फ्री सर्विस देंगे, 24 घंटे देंगे। ये आपके यहाँ गोठड़ा में रहेंगे, आसपास गांव में भी जाएगी? नहीं, खड़ी यहाँ रहेगी, आसपास से कोई भी फ़ोन करके उसकी सेवा ले सकता है, उसका फ़ोन नंबर। कोई चार्जेज वगैरह नहीं? कोई चार्ज नहीं लेंगे, कोई डीजल नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे। उसका कोई पर्टिकुलर नंबर? हाँ, पर्टिकुलर नंबर हम जारी करेंगे आसपास के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, पुलिस चौकी में, पुलिस थाने में, और लोगों को भी वो नंबर हम भेजेंगे, कहीं भी जरूरत होगी तो 24 घंटे वो सेवा हाजिर रहेगी। विजय जी, जिस तरीके से आज हमने देखा कि आप लोगों ने बच्चों को मोमेंटो के साथ साथ खेल का सामान, ड्रेस, कॉपी किताब, हॉकी वगैरह तमाम चीज़ दी, ये प्रेरणा क्या, यानी कि क्यों दिया गया ये अमृत महोत्सव पे? तमाम लोग तो सिर्फ झंडा लगाने की बात थी कि अमृत महोत्सव मना। हमारे गाँव में शुरू से ही हॉकी टीम में बच्चे खेलते हैं, तो अभी कुछ बच्चों को हम रांची भी खिलाने लेके गए थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अभी दो बच्चों का कोच में सिलेक्शन भी हो गया, एक साहिल है एक शशिकांत है, तो उनको ये प्रेरित कर रहे हैं हम और आगे बढ़ो। हमारे थोड़े से यज्ञ में आहुति डालने से अगर भगवान आ जाते हैं तो हम इससे खुश हैं। और रवि चौहान, आपका गांव सुर्खियों में रहता है, आपके गांव में भागवत कथा भी आप लोगों ने बैठा रखी है, वो भी कलश यात्रा देखी होगी आपने, कितनी भव्य कलश यात्रा निकाली है। वो जैसे जैसे धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम होता है तो उसको ज़्यादा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और हम शुक्रगुजार हैं रवि चौहान जी के, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम गोठड़ा में एक छोटा गांव होते हुए एक उच्च लेवल का प्रोग्राम किया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई गांव में कथा होती है अभी कोई नहीं सुन सकता, तो उस जैसा निर्भाग्य आदमी है ही नहीं। और रवि चौहान जी ने कम से कम 5-7 स्कूलों में अपने सरस्वती माता की मूर्तियां लगाई हैं, और गोठड़ा में भी अभी कुछ ही दिन में स्टेज और सरस्वती माता की मूर्ति लगाने जा रहे हैं, और जो सामने आप साइड देख रहे हैं वो भी रवि चौहान जी ने, गांव में बारात रुकने के लिए जगह नहीं है तो यहाँ इसमें आप आराम से बारात रोक सकते हैं, जिस स्टाफ की कोई जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये सुना आपने, हमने आपको सबको सुनाया कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो गोठड़ा गांव कहीं ना कहीं इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है, आए दिन एक के बाद एक, हमने 2 दिन पहले ही आपको दिखाया था कि यहां पर एक भागवत कथा हो रही है, जो यानी कि रवि चौहान के द्वारा कराई जा रही है, उनकी जो माता जी है मेवा देवी उनके द्वारा, यहाँ जो एक पूरा भवन यहाँ बनाया जा रहा है वो भी हमने आपको दिखाया था, और उसका भी अवलोकन यानी कि भागवत कथा में जाकर के CTM महोदय ने भी देखा कि कितनी भव्य वहां पर जो है भागवत कथा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये गोठड़ा गांव है ये आजकल मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि समाज सेवा में जिस तरीके से रवि चौहान आगे बढ़ चढ़ करके गांव के और गांव के लोगों के लिए कर रहे हैं
वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।